नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जीडी पांडे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत सारी खुशखबरी एक एक करके लगातार आ रही है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया कि आरआरबी जेई अर्थात रेलवे में जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी आने के चांसेस हैं। सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि जितने भी लोग इस टेक्निकल फील्ड में हैं, जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई संस्थान चला रहे हैं, सबका यही ऑब्जर्वेशन है। और आपने देखा कि आरआरबी जेई की वैकेंसी तो आने ही वाली है, उसका बैचेस भी हमने अनाउंस किया और पेड बैचेस भी चल रहे हैं। फ्री बैचेस का पूरा प्लान लेकर के भी मैं एक दो दिन में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और लगातार आपके लिए फ्री क्लासेस भी चलती रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल एस्पिरेंट हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक किया है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फटाफट आ रही हैं। जैसे कि एसएससी जेई ने अपना कट ऑफ जारी कर दिया। कल एसएससी जेई का कट ऑफ आया, एसएससी जेई प्री का रिजल्ट आया। और प्री का रिजल्ट जब आ जाता है तो फिर बात होती है कि मेंस में क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। आप किसी भी टेक्निकल छात्र हैं, आप किसी भी ब्रांच के हों, मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, अगर आपने एसएससी जेई प्री क्वालिफाई कर लिया है तो एसएससी जेई मेंस के लिए आपको क्या करना है। और जिन लोगों का एसएससी जेई प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई 2023 का कैलेंडर आ चुका है, उसका एग्जाम अगले 6-7-8 महीने बाद है। तो 6-7-8 महीने लग जाइए प्रिपरेशन में और फिर से एसएससी जेई का एग्जाम देकर के प्री निकालिए। और प्री निकल गया तो समझिए लड़ाई आप जीत ही गए हैं, क्योंकि मेंस तो आप निकाल ही लेंगे। असल में सारी लड़ाई बच्चों प्री की है, मेंस में कुछ पढ़ना थोड़ी है। पढ़ तो आपने लिया ही है और नहीं पढ़ा है तो अब थोड़े पढ़ पाएंगे, और तुक्के से प्री तो निकलेगा नहीं। तो सारी लड़ाई प्री की है। तो प्री की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर आप प्री की लड़ाई में आपके नंबर कम रह गए हैं, किसी कारणों से आप सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रिपरेशन को जारी रखिए। देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सफलता के लिए धैर्य पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप धैर्य रखना सीखिए। अगर प्री नहीं क्वालिफाई हुआ इस बार 2022 के एसएससी जेई एग्जामिनेशन में, तो 2023 के एसएससी जेई एग्जामिनेशन में प्री क्वालिफाई होगा। ऐसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करिए, परिश्रम करिए। आज जितने लोग सफल हुए हैं ये सब असफलता के ओवरकम करके, असफलता को ओवरकम करके उससे निपट के ही सफलता तक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी जेई 2022 का प्री जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है वो मेंस का एग्जाम देना उनको जाने वाले हैं, और मेंस का एग्जाम देते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर एक छोटी सी चर्चा मैं करूंगा। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो प्रस्तावित है, आपका जो पेपर है वो प्रस्तावित है 26 फरवरी को एसएससी जेई का मेंस का एग्जाम होने वाला है। और आज 18-19 तारीख हो ही गई है, 10 दिन इधर मान लीजिए और 20-22 दिन उधर मान लीजिए, तो कुल मिलाकर के आपके पास 32-35 डेज हैं मैक्सिमम। कितने हैं भाई? 32-35 डेज हैं मैक्सिमम। तो इन्हीं 30-35 डेज में आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। पहली बात, क्या ये दिन सफिशियंट है? ये दिन मोर देन सफिशियंट है। आप अगर मेहनत से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं एसएससी जेई मेंस पे आपसे चर्चा कर दूं कि एसएससी जेई मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हालांकि आपको मालूम होगा, हर एक वीडियो में आजकल हर कोई वही बता रहा है, तो आप टाइम बर्बाद न करें। अगर आपको मालूम है तो इसे फॉरवर्ड कर दें, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुन लें। लेकिन इसके बाद वाली बात जो मैं बताने वाला हूं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा। एसएससी जेई का मेंस का पैटर्न ये होता है कि जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 300 नंबर के, 300 नंबर के पूरे टोटल पेपर होता है। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 300 मार्क्स होते हैं। जो पूरा पेपर होता है वो 6 सेक्शन में डिवाइड होता है। पूरा जो पेपर होता है वो 6 सेक्शन में डिवाइड होता है। इन 6 सेक्शन में से कोई 5 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। आपको 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने का इंस्ट्रक्शन रहता है। आपको 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने का इंस्ट्रक्शन रहता है। टोटल सेक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 300 नंबर का पेपर है, अगर 5 सेक्शन है तो आप देखिए कि ईच सेक्शन कितने नंबर का हो गया?
ईच सेक्शन आपका 60 मार्क्स का हो गया ना, 60 मार्क्स का ना, 60 में 5 से गुणा करेंगे तो 300 नंबर आ जाएंगे ना, तो टोटल कितने हैं 300, तो 6 हैं, 6 में से कोई 5 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। ये काम मत करिएगा कि पहले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन कर लिए, दूसरे में कुछ कर लिए, केवल 5 सेक्शन ही कॉपी चेक होगी, एक सेक्शन को कंप्लीटली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स वहां करके ना आए। ऐसा मत करिए कि कोई सेक्शन में आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किसी और में कुछ और कर लिए और आपको लगता है कि आपकी कॉपी सारी चेक होगी, केवल 6 में 5 सेक्शन की ही कॉपी चेक होगी। तो आपको 5 सेक्शन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर सेक्शन 60 नंबर का होता है, 60 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे 300 मार्क्स आ भी रहा है। अब मैकेनिकल के बच्चों के लिए वो 5 सेक्शन में किन किन सब्जेक्ट का सेक्शन होता है, सिविल के बच्चों के लिए वो 5 सेक्शन किन किन विषयों का सेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए वो 5 सेक्शन कौन कौन से सब्जेक्ट का सेक्शन होता है, इन सब पर बहुत विस्तृत चर्चा हम आपसे आगे की वीडियोस में करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर के हम आ रहे हैं SSC JEE मेंस के लिए। ये प्रोग्राम ये 30 से 35 दिनों तक चलेगा और इसका हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और वो प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्पेशल प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं फॉर SSC JEE मेंस और ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस प्रोग्राम का नाम क्या है ये कल अनाउंस हो जाएगा और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट ऑन इंजीनियर्स हमारा एक यूट्यूब चैनल है, टारगेट ऑन इंजीनियर्स, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रोग्राम का हेल्प आपको वहीं पे मिल पाएगा। इस प्रोग्राम में हम SSC JEE मेन्स से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं। किस सब्जेक्ट में, किस ब्रांच में, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का क्या वेटेज है, प्रीवियस ईयर 5-10 साल के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, सवाल किस तरह के आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस कैसे लिखना है और आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कैसे लिखना है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। और बच्चों अगर आप SSC JEE प्री में चूक गए हैं तो एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सामने आ खड़ी है जो कि जिसका नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आने वाला है, जिसका नाम है RRB JEE रेलवे JEE। और RRB JEE का संस्थान में पेड बैच भी चल रहा है और फ्री बैच भी चल रहा है, जिस भी बैच में आप प्रवेश लेना चाहें ले सकते हैं। फ्री बैच तो हमारा YouTube पे मिलेगा और ये YouTube पे कहाँ मिलेगा, टारगेट ऑन इंजीनियर्स वाले चैनल पे मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बैच पूरी प्लानिंग के साथ में लॉन्च करने वाला हूं, तब तक मैं फ्री में बहुत कुछ पढ़ा भी रहा हूं उस चैनल पे और इस चैनल पे, उससे आप लगातार लाभान्वित होते रहिए, लेकिन एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ भी मैं आने वाला हूं इस बैच को लेकर के। पेड बैच जिसका नाम ही विजयी भव बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती अगर देखी जाए तो दो खूबसूरती है। पहली खूबसूरती यह है कि बेस्ट टेक्निकल और बेस्ट नॉन टेक के फैकल्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। अगर आपको हम देखें, अगर हम आपको बताएं तो ये आपकी टेक्निकल की टीम है जिसमें मैं खुद, मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहेगी, ये मैकेनिकल की टीम है, ये सिविल की टीम है और नॉनटेक की टीम आप देखिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पहला प्री में नॉनटेक होता है और नॉनटेक क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉनटेक में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम आपको मिलने वाली है। रवि सर खुद रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, संदीप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, गौरव निरंजन सर GS देख रहे हैं और राजकुमार सर साइंस का पोर्शन देख रहे हैं। तो आप, हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है, हम किस लिए आपकी हेल्प कर पाएंगे, किस लिए हम आपके लिए सबसे बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टीम है टेक और नॉन टेक की, उसका कोई जोड़ नहीं है। किसी के पास टेक बेटर है तो किसी के पास नॉन टेक बेटर है। हम इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास टेक और नॉन टेक दोनों में ही एक मानक स्थापित करने वाले फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस बैच पे प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस बैच का एक एंट्री नंबर है, ये एंट्री नंबर आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा लिख करके एंट्री। क्या लिखेंगे, एंट्री ENTRY RRB JEE एंट्री RRB JEE लिख करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। क्या लिख के व्हाट्सएप करना है, ENTRY एंट्री RRB JEE
और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे इस बैच की कंप्लीट डिटेल, इसकी फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, क्या क्या इसमें मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कितने मिलेंगे, टेस्ट सीरीज कितनी मिलेगी, टेस्ट कितनी मिलेगी, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये सब कंप्लीट डिटेल आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी। आप चाहें तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर ही आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इस बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस बैच की वैलिडिटी हमने रखी है टिल आरआरबी जेई एग्जाम। आरआरबी जेई का एग्जाम 3 महीने बाद आ जाए, 4 महीने बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम साल भर बाद हो, 8 महीने बाद हो, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत करती रहेगी, लगी रहेगी और आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर के काम करती रहेगी। तो ये नंबर है, इसके अलावा ये काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं, हमारे संस्थान के काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं, इन पर भी कॉल करके आप किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप विशेष रूप से रेलवे जेई आरआरबी जेई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये विजयी भव बैच के बारे में था जो कि प्रारंभ हो चुका है, एडमिशन प्रारंभ है। और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर इसमें क्या डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगा। शुरुआती बच्चों के लिए कुछ डिस्काउंट संस्थान की तरफ से रखा गया है, उसकी सूचना भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं तो बातें आपसे की जाएंगी। लगातार डेमो क्लासेस चल रही हैं, टेक्निकल की भी, नॉन टेक की भी डेमो क्लासेस लेकर के रवि सर, संदीप सर आपके बीच बहुत जल्दी हाजिर होने वाले हैं। तो बिल्कुल इंतजार की घड़ियां अब खत्म हैं, अब परिश्रम करने का वक्त आ गया है। और परिश्रम एक ऐसी चीज है जिससे जब दशरथ माझी पहाड़ तोड़ सकता है तो आरआरबी जेई की क्या औकात है, निश्चित रूप से आप इसे तोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।